अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अपनी आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ फाउंडेशन यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के एडमिशंस के बारे में। इन्होंने अपने नर्सिंग के एंड पोस्ट नर्सिंग के एडमिशंस की अनाउंसमेंट किया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं इसके एडवर्टाइजमेंट को जो इनकी तरफ से अनाउंस की गई है। तो उसमें मैंशन किया गया है कि BSN नर्सिंग यानी कि फोर ईयर प्रोग्राम्स ऑफर करवाए जा रहे हैं। इसके अलावा पोस्ट नर्सिंग टू ईयर प्रोग्राम जो कि आफ्टर बीएस नर्सिंग आपको ऑफर करवाए जाते हैं तो उनकी अनाउंसमेंट कर दी गई है। इसके अलावा अगर हम इसके एडमिशन शेड्यूल की बात करते हैं तो उसमें आप ओपन है एडमिशन के 17 अक्टूबर तक, 18 नवंबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं। 3 दिसंबर को इसका रिटन एंड टेस्ट होगा और इंटरव्यू जो होगा वो पोस्ट नर्सिंग का जो होगा ओनली वो होगा 4 दिसंबर को। इसके साथ ही इंटरव्यू शेड्यूल फॉर बीएस नर्सिंग वो होगा 17 to 18 दिसंबर को। डिस्प्ले होगी मेरिट लिस्ट 30 दिसंबर को और जो क्लासेस हैं वो स्टार्ट हो रही हैं 13 फेब को यानी कि 13 फेब को क्लासेस स्टार्ट होंगी। तो अगर हम बात करते हैं बीएस नर्सिंग के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में तो उसमें आपके 50% मार्क्स होना लाजमी है। आपने FSC प्री मेडिकल की हो विद फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एंड कम्प्लीमेंट्री सब्जेक्ट्स और ए लेवल सर्टिफिकेट वाले स्टूडेंट को जिन्होंने ए लेवल्स किया हुआ है उनको IBCC का सर्टिफिकेट सबमिट करवाना कंपलसरी है। इसमें मेल एंड फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम पोस्ट नर्सिंग की बात करते हैं तो ये 2 ईयर्स प्रोग्राम है हमारे पास जिसमें मैट्रिक आपका साइंस के साथ होना चाहिए AGC की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। डिप्लोमा अगर आपने किया हुआ है जनरल नर्सिंग में या डिप्लोमा आपका है मिडवाइफरी में इन एनी स्पेसिफिक सिटी डिप्लोमा तो आप अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। इसमें भी बहुत मेल एंड फीमेल जॉन्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं फॉर एडमिशन के लिए। एप्लीकेशन इंस्ट्रक्शन की बात करते चलें तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपको करवानी होगी। इसके साथ ही आपने फॉर्म को फिलअप करना है उसका प्रिंट लेना है जिसको आपने अलॉन्ग विद रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स के साथ आपने सबमिट करवाना होगा। इसकी एडमिशन प्रोसेसिंग फी है 3000 रुपीज़ जो कि नॉन रिफंडेबल है और मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप भी इसमें अवेलेबल है यानी कि जिन स्टूडेंट के मार्क्स अच्छे हैं उनको स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड किया जाएगा। इसके साथ अगर हम बात कर लेते हैं इसमें ऑनलाइन अप्लाई के मेथड की तो ऑनलाइन अप्लाई का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको रजिस्ट्रेशन करवानी होगी। यहाँ पे अपनी नेशनलिटी सेलेक्ट करें, अपना आईडी कार्ड या बेफॉर्म नंबर, नेम, ईमेल आपका वैलिड होना चाहिए, पासवर्ड, डेट टाइप पासवर्ड और साइन अप फॉर एडमिशन पे चले जाएं। और साइन अप करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपने अपने अकाउंट को लॉग इन करने अपना आईडी कार्ड नंबर ईमेल या पासवर्ड एंटर करेंगे तो आपका अकाउंट लॉग इन हो जाएगा जिसके थ्रू आप फॉर्म को फर्दर स्टेप बाय स्टेप फिलअप कर सकेंगे। इसके साथ अगर हम डिस्कस कर लेते हैं इसका फी स्ट्रक्चर तो फी स्ट्रक्चर एंड इसकी जो पॉलिसीज हैं वो यहाँ पे मेंशन की गई हैं यानी कि रिफंडेबल पॉलिसी हैं या अगर आपने इंस्टॉलमेंट में फीस सबमिट करवानी है तो उसकी कंप्लीट डिटेल्स उन्होंने यहाँ पे मेंशन की है। तो ट्यूशन फी पर सेमेस्टर है 17,000। इसके साथ ही जो सेकेंड फोर ईयर की फ़ी है उन्होंने मेंशन की हुई है ट्यूशन फी 70 है, अगर एग्जामिनेशन फी है वो 5,000 है, ठीक है। इसके साथ अगर आपकी एडमिशन फी वन टाइम जो आपको सबमिट करवानी होगी वो है 15,000, रजिस्ट्रेशन फी आपकी 5,000 है, इसके टोटल चार्जेस है। इसके अलावा जो सिक्योरिटी फी है वो 5,000 है, वो रिफंडेबल है आपकी। इसके साथ ही फी एट द टाइम ऑफ एडमिशन जो आपको सबमिट करवानी होगी, अगर आप हॉस्टल की फैसिलिटी लेना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको पर मंथ चार्जेस सबमिट करवाने होंगे 4,000, इसमें एक्सक्लूडिंग इनके अदर फैसिलिटीज़ हैं। इनमें फैसिलिटीज़ वगैरह अगर आप कोई इंक्लूड करवाते हैं तो आपको उसके चार्जेस पे करने होंगे। फीस स्ट्रक्चर फॉर डिप्लोमा एंड सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स की अगर हम बात करते हैं तो उसकी ट्यूशन फी पर मंथ है 3,500, एडमिशन फी है 5,000, सिक्योरिटी फी 5,000 और जो आपकी एग्जामिनेशन फी है एनुअल 5,000 है। नर्सिंग असिस्टेंट इसी तरह डेंटल सर्जिकल असिस्टेंट ICU डिप्लोमा कोर्स का यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर मौजूद है। रिफंडेबल पॉलिसी भी इन्होंने मेंशन किया कि अगर स्टूडेंट विद इन 7 डेज में रिफंड करवाता है फी आफ्टर क्लासेस स्टार्टिंग यानी कि क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं उसके 7 दिन में आप अपनी फी रिफंड करवाने की एप्लीकेशन सबमिट करवाते हैं तो आपकी कंप्लीट फी वापस की जाएगी। अगर 8 to 15 डेज में करवाते हैं तो 50% है और अगर 16 डेज में करवाते हैं तो आपको नो फी रिफंड की जाएगी यानी कि उसके बाद आपको फी जो है वो रिफंड नहीं की जाएगी। इसके साथ ही फी चलान जो आपका इशू कर दिया जाएगा अकॉर्डिंग टू इनकी पॉलिसी। अगर आपको फी चलान इशू नहीं किया जाता तो आपने अकाउंट ब्रांच से लाजमी कॉन्टेक्ट करना है और ये फर्दर डिटेल जो अदर प्रोग्राम्स के हैं फी चलान डिपॉजिट करना है विद इन डेट्स ड्यू डेट्स और आफ्टर डेट आप सबमिट नहीं करवा सकते। बट अगर आप फी सबमिट नहीं करवाते हैं क्लासेस के स्टार्ट होने के 2 मंथ तक आपकी फ़ी सबमिट नहीं होती तो आपका एडमिशन जो है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। डिपॉजिट फी करवा सकते हैं आप इंस्टॉलमेंट में, आपको एक जो इंस्टॉलमेंट है जब आपकी फ़ी आएगी तब सबमिट करवानी होगी। बट उसके लिए पहले आपको एप्लीकेशन देनी होगी जो अप्रूव्ड होगी कंपिटेंट अथॉरिटी से तो देन ही आप इंस्टॉलमेंट में फ़ी सबमिट करवा सकते हैं। और फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के बाद आपको आफ्टर 2 मंथ सेकेंड इंस्टॉलमेंट सबमिट करवानी होगी।
जो स्टूडेंट हॉस्टल की फैसिलिटीज लेना चाह रहे हैं गर्ल्स हॉस्टल की, तो उनको 4,000 रुपीज़ आपको चार्जेस सबमिट करवाने होंगे, और एक्सक्लूडिंग अदर फैसिलिटीज़ हैं। रिफंडेबल हॉस्टल की अगर चार्जेस लेना चाह रहे हैं बॉयज एंड गर्ल्स हॉस्टल, तो उसकी पॉलिसी भी यहाँ पे मौजूद है। एग्जामिनेशन चार्जेस पॉलिसी भी उन्होंने यहाँ पे मैंशन की हुई है। रिफंड पॉलिसी ऑफ सिक्योरिटी, मेडिकल टर्मिनेंट पॉलिसी, बैंक अकाउंट फॉर डिपॉजिट ऑफ फी फॉर लोकल स्टूडेंट्स के लिए भी उन्होंने मैंशन किया है। तो ये कंप्लीट डिटेल्स इसकी फीस स्ट्रक्चर की यहाँ पे मौजूद है। इसके अलावा एडमिशन रिक्वायरमेंट का मतलब है यानी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ, लेकिन एक दफा फिर देख लेंगे कि इसमें जो एज लिमिट है वो रिक्वायर्ड है 70 to 25 years तक अप्लाई कर सकते हैं बॉयज एंड गर्ल्स। इसमें एडमिशन के लिए अगर आप प्रोस्पेक्टस चेक करना चाह रहे हैं तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। इसके बाद इसकी नंबर ऑफ सीट्स की मैं बात करती हूँ, तो ओपन मेरिट की 34 सीट्स हैं एंड बेनिफिशरीज की 16 सीट हैं। टोटल 50 सीट्स अवेलेबल हैं फॉर BS प्रोग्राम्स के लिए। और इसमें डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट की बात करते चलते हैं, तो इसमें जो स्टूडेंट ने A levels किया या फॉरेंस किया, तो उनको 1 कॉपी अपनी मैट्रिक एंड 1 कॉपी अपनी जो इंटरमीडिएट की सबमिट करवानी होगी। इसके साथ ही आपको रिजल्ट कार्ड हार्ड कॉपी में 1 कॉपी सबमिट करवानी होगी, मैट्रिक की, सेकेंड ईयर की आपका बे फॉर्म या आईडी कार्ड होना चाहिए, 1 कॉपी फादर का आईडी कार्ड, बैंक ड्राफ्ट जो आपने प्रोसेसिंग फीस सबमिट करवाई होगी, 4 रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होने चाहिए, कॉपी ऑफ पेंशन बुक ऑफ फादर इन द केस ऑफ बेनिफिशरी, यानी कि जिन लोगों ने बेनिफिशरीज पे केस पे अप्लाई करना है यानी कि अपर मेरिट पे नहीं अप्लाई करना, तो उनको अपने पापा की पेंशन जो होगी उनकी कॉपी सबमिट करवानी पड़ेगी। और अगर कोई भी एम्प्लॉय है तो उसको उसका अथॉरिटी सर्टिफिकेट सबमिट करवाना पड़ेगा, फोटोकॉपी ऑफ डोमिसाइल की कंपलसरी है, अटेस्टेड होनी चाहिए कॉपी ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स की जो कि आपने सबमिट करवानी है फॉर एडमिशन के लिए। इसके साथ ही अगर हम RN या BS 2 ईयर का बात करते हैं, तो उसमें डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग 3 ईयर्स विद मिनिमम सेकेंड डिवीजन आपको होना चाहिए, डिप्लोमा इन मिडवाइफरी 1 ईयर्स एंड 1 ईयर पोस्ट बेसिक स्पेशलिटी ऑफ मेल्स के लिए है, तो वो आपने सबमिट करवाना है, मैट्रिक विद साइंस या आर्ट एज पर HSC रिक्वायरमेंट, 1 ईयर क्लिनिकल एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए, वैलिड आपका PNC रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, और इसमें एडमिशन टेस्ट एंड इंटरव्यू रिक्वायर्ड है। इसमें ओपन मेरिट की 34 सीटें हैं, बेनिफिशरीज की 16 सीट है, इसकी भी टोटल 50 सीट्स हैं, और सेम इसकी वही डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है जो आप देख सकते हैं, अटेस्टेड आपने डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए आपके। इसके साथ ही आपने अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं और अपनी एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट करवानी होगी इनके ऑफ एडमिशन हब में, जो कि यहाँ पे मेंशन किया गया है, स्टूडेंट हब में आपने सबमिट करवानी होगी, जिसकी टाइमिंग है 8:30 से लेकर 2 PM तक, और फ्राइडे को 8:30 से लेकर 12 तक आप सबमिट करवा सकते हैं। और आप जिन स्टूडेंट ने IBCC से सर्टिफिकेट सबमिट करवाया उनको यहाँ पर उन्होंने कंप्लीट एड्रेस मेंशन किया हुआ है, तो वो आप चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी क्यूरी है मेरे से एडमिशन के रिगार्डिंग, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।